हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो देखो गाइस, मेरे गांव में मिर्ची सूख रहा है, सूखने दिया था तो इतना सारा सूख गया है। अभी ये और भी सूखेगा, इतना वाला रेड, एकदम ताजी ताजी एकदम सूखा मिर्ची रेडी होगा, बहुत ही स्पाइसी वाला है। और अभी देखो कितना अच्छा फ्लावर जो है, अभी गुलाब का वो डालिया। अब अभी कुकिंग कर रही हूँ। गांव में खास बात ये है, जो मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनता है वो बहुत ही शानदार टेस्टी होता है। तो घर पे गैस वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक जो है चूल्हा रेडी रहता है बाहर में, जहाँ पर कुकिंग करते हैं कभी कभी। तो इधर में कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे में और एक काठ से लकड़ी से जो होता है चूल्हे के आग, तो टेस्टी खाना बनता है। तो अभी देखो बीट रूट का जो फ्राई हो रहा है और राइस हो रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ बनेगा, लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गांव में, मतलब ऐसे बनाने में, क्योंकि मैं तो अक्सर चूल्हे में ही बनाती हूँ, और मिट्टी के इसमें मैं जब गाँव में जाती हूँ तभी बनाती हूँ। तो मुझे जब भी मैं आती हूँ तब मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज मैं बना रही हूँ, और बहुत सारा चीज़ भी बनेगा खाना खाने का। तो सोचा चिकन वगैरह जो बनेगा वो इसमें मिट्टी के यहाँ पर बनेगा, लेकिन अभी तो सुबह की जो नाश्ता है उसके लिए राइस और बीट रूट का जो ये बन रहा है फ्राई और बनेगा सोयाबीन और आलू और सोयाबीन बनेगा। और अभी तो फिलहाल यही बन रहा है। तो गाइस, आप लोग कौन कौन नाश्ता करना चाहते हो तो आ जाना मेरे गांव में, लोगों को खिलाऊंगी सबको। और मैं कैसे खाना बनाती हूँ मिट्टी के चूल्हे पे, वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना जो कैसा लगा है, और आ जाओ गाइस सब कोई। तो मैं गांव में आती हूँ जब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन रहने का मन करता है, लेकिन बहुत दिन रह नहीं पाती हूँ क्योंकि लड़के का एडुकेशन है, इसीलिए। तो आती हूँ, घूम के कुछ दिन रहती हूँ, उसके बाद फिर घर वापस आ जाती हूँ। और देखो खेत से बहुत सारे सब्जी भी लाए हैं आज उठा के, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिलहाल अभी ये बन रहा है, और इसका आग जो है बहुत तेज़ रहता है, बहुत गर्मी भी लगता है मुझे। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। बहुत मतलब अपने तालाब में, मतलब फिश वगैरह सब्जी सब कुछ ही है यहाँ पर, मतलब गांव में। मेरे मम्मी यहाँ पर रहती है, तो पूरा लोगों से मतलब खेत का जो है सब्जी वगैरह सब कुछ। देखो केला, केले, और ये केले मतलब अपने पेड़ का ही है, और ये पत्ता गोभी ज़मीन में है सब। मेरी मम्मी ने मतलब बहुत शौक़ रखते हैं उगाने में। ये है कद्दू, छोटा छोटा कद्दू जो है बहुत अच्छा होता है।